हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था जो पेपर आपका है मैकेनिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं डायनेमिक्स में आपको काइनेमेटिक्स जो है फुल लेक्चर करवा दिया गया है, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा पार्ट टू जो है इसका, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले काइनेमेटिक्स के लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो लेक्चर हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट का मैं लिंक दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं। और हमारे जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा वहाँ जाके आप अपना इशू क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, जो जितना भी होगा आपसे उसका जो भी प्रॉब्लम आपका होगा वो सॉल्व किया जाएगा। और एक चीज़ और है, इंस्टाग्राम जो आईडी है वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है चाहे कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको पूरा आप कुछ भी है शेयर कर सकते हैं, जिसका जैसे कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो गया तो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा या उस पर वीडियो लेक्चर बना दिया जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है उसमें इन टर्म में आने वाला है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो काइनेमेटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं, मतलब काइनेमेटिक्स से जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एक लेक्चर और लिया गया है उसको भी आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी कराए जाते हैं ये जो है इसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ऑलरेडी पूरा कंप्लीट काइनेमेटिक्स का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, तब ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। इफ एक्स कामा वाई बी अ पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग प्लेन कर्व एट टाइम टी, है ना, कोई भी जो पार्टिकल है एक्स वाई जो पोजिशन के अलॉन्ग किसी प्लेन में मूव कर रहा है टाइम टी पे, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम इज, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी, एक्सेलरेशन पूछा गया है, हाँ एक्सेलरेशन पूछा गया है एट टाइम टी पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा एक्स डॉट का स्क्वायर होता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन रूट में दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन जो है डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर रूट में, और फोर्थ ऑप्शन डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो जो एक्सेलरेशन होता है टाइम टी पे एक्स वाई प्लेन की जो पोजीशन में, एक्स वाई बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का जो पोजीशन है एक्स कामा वाई है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर, यही होता है एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ आर कामा थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग प्लेन, आर कामा थीटा क्या है वो पोलर कोऑर्डिनेट का पोजीशन है, है ना, ये हम सब पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन जो पूछने का पैटर्न क्वेश्चन का है वो अलग है, ये आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी लगवाया चुका है, लेकिन जो किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा। अब देखिए कह रहा है आर कामा थीटा बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ, पोजिशन वेक्टर है वो पोलर कोऑर्डिनेट में है आप किसी पार्टिकल का, और पार्टिकल मूव कर रहा है प्लेन में एट टाइम टी पे, देन द ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या पूछा गया है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी इज, हाँ उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम टी, तो क्या होता है आर थीटा डॉट होता है, क्या होता है आर थीटा डॉट होता है, जो उसका ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है वो क्या होता है आर थीटा डॉट। पहला ऑप्शन है डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, रॉन्ग, डी आर अपॉन डी थीटा डी आर अपॉन डी टी, ये भी रॉन्ग है, आर थीटा डॉट, इसको हम ऑप्शन में ये भी हो सकता है आर थीटा डॉट दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टी वैसे ही विराम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा गया है कि इफ यस
जो है कौन सा कोऑर्डिनेट है, पहले आपने क्या पढ़ा एक्स वाई किसी पार्टिकल क्या जो पोजीशन वेक्टर था एक्स वाई था, तो उसमें एक्सेलरेशन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि पोलर कोऑर्डिनेट में आर का थीटा में एक पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसका आपने वेलोसिटी पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में, क्या पूछा गया है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में उसका जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है। इफ यस कामा साई बी द इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग प्लेन कर्व एट टाइम टी एंड वी बी इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी, देन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज एट टाइम टी, उसका टेंजेंशियल सिंपल भाषा में कहें तो आपसे पूछा गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या पूछा गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है डी एस अपॉन डी टी है, सेकेंड ऑप्शन है डी टू एस डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है वी इंटू डी वी अपॉन डी टी, फोर्थ ऑप्शन है डी वी अपॉन डी एस, है ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है बी इसका क्या क्या है करेक्ट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है एस डबल डॉट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन प्लेन कर्व एट टाइम टी, क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। यानी पूछा गया आपसे द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन प्लेन एट टाइम टी, यानी एक कोई पार्टिकल जो है क्या कर रहा है प्लेन में मूव कर रहा है टाइम टी पे, तो जो उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा उस पार्टिकल का, रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा उस पार्टिकल का, उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, है ना। तो क्या होता है उसका यस डबल डॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर डिवाइड बाई रो। हाँ, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, रूट में डी टू एस डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई रो का होल स्क्वायर, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ठीक है, एक बार अपने बुक से आप ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा बस क्वेश्चन का आपको बताना है कि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो क्या है, तो ऑप्शन जो है एक बार आप भी देख लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एज, है ना, इसमें जो है रेडियल एक्सेलरेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है r डबल डॉट माइनस r डॉट r थीटा डॉट, थर्ड ऑप्शन है r डॉट माइनस r थीटा डॉट, फोर्थ ऑप्शन है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है करेक्ट है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन, जाके आप प्रूफ भी देख सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, इफ r वेक्टर इज द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग कर्व टाइम t, जो r वेक्टर है के पोजीशन के अकॉर्डिंग कोई पार्टिकल क्या कर टाइम टी में मूव कर रहा है, एंड वेक्टर ए इज इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी, देन वेक्टर ए इज क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, ये भी हम लोग किए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर थीटा डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, डी टू आर डिवाइड बाई डी टी, डी ए वैक्टर डिवाइड बाई डी टी, रूट में ए स्क्वायर आर वैक्टर डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है, बाकी बी सी डी क्या है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ प्लेन कर्व एंड वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी, एंड रो इसमें क्या है, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ एट टाइम टी, देन यहाँ पर टाइम टी, देन इट्स नॉर्मल एक्सेलरेशन एट टाइम टी क्या होगा। हाँ, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन लोग कर चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो क्या है, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई रो जो है यही ऑप्शन करेक्ट है, यही है, ए सी और डी क्या है रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व,
देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट टाइम एट एनी पॉइंट सॉरी इफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज अलोंग द डैश टू द पाथ एट दैट पॉइंट. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हाँ उस पाथ के अलोंग क्या होता है, नॉर्मल होता है, टेंजेंट होता है, नाइदर ए नार बी, यानी ना तो नॉर्मल होता है ना ही टेंजेंट होता है. फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए, यानी नॉर्मल और टेंजेंट दोनों होता है. तो कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व, हाँ देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इट्स पाथ अलोंग द हाँ डैट पॉइंट, तो क्या होता है उसके टेंजेंट के, हाँ उस पॉइंट के क्या होता है, वो टेंजेंट होता है, यानी अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट डैट पॉइंट, है ना. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए सी डी क्या है इनकरेक्ट है. ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ अबाउट फोकस आप इट्स पाथ वेरीज एज फॉलो आप इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस. फर्स्ट ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिज. तो जो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ यस साई बी द इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व एट टाइम टी एंड वी पी इट्स वेलोसिटी एट टाइम एट दैट स्टार्ट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेशन एट टाइम टी इज. नॉर्मल ऑसिलेशन जो होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई रो होता है, और रो जो हमारा क्या होता है, रो हमारा होता है डी एस अपान डी साई होता है. तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में नॉर्मल ऑसिलेशन ही पूछा गया है, मतलब हम लेक्चर में भी आपको बताएं, एमसीक्यू में भी करवाएं तो यही करवाए हैं, लेकिन इसका एक और फॉर्मेट होगा कि अगर रो के जगह पे डी एस अपॉन डी साई रखा जाएगा तो इसमें से ऑप्शन चेंज हो जाएगा, है ना. तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी स्क्वायर डी साई डिवाइड बाई डी एस वी इंटू डी ए वी अपॉन डी एस सी डी टू एस साई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है डी टू एस डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी साई अपॉन डी टी. तो बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं मैच करेंगे, है ना, बी सी डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से काइनेमेटिक्स में आपसे एमसीक्यू पूछो, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको भी. ठीक है, तो अब हम काइनेमेटिक्स में आपका कंप्लीट हो गया है. दो डायनेमिक्स में दो चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया गया है, एक काइनेमेटिक्स है और एक है सेंटर ऑर्बिट. ठीक है, बाकी जो लेक्चर हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे, कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, बाय बाय.